हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है और जस्ट मैं अभी नहाकर आई हूँ। और नहाकर आने के बाद जो है सबसे पहले मैं यश का दूध बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही ये लेकर आते हैं उसी टाइम पे मैं दूध बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि नाश्ते का काम जो है दूध बॉईल करने के बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है और दूध बॉईल हो गया था, उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ फ्राइड वड़ा पाव। तो उस दिन मैंने पाव भाजी बनाई थी तो पाव रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो ये बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं जो आलू की स्टफिंग तैयार करूँगी, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में जो है जीरा डाल दिया था, थोड़ा सा साबुत धनिया, उसमें अदरक और हरी मिर्च डाल दी है, और सूखे मसाले में मैंने कुटा हुआ धनिया, हल्दी, मिर्च और नमक डाल दिया है। सिंपल मसाले डलेंगे। और आलू को मैंने सुबह ही बॉईल करके और उसको मैंने मैश कर लिया है, तो अभी मैं थोड़ा सा मसाले को भून लूँगी, और भूनने के बाद जो ये मैंने आलू को मैश करके रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। और पाव मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं। तो पहले तो सोचा था कि वड़े बना लूँगी आलू के, जैसे बड़े बनते हैं, और पाव के साथ वैसे ही खा लेंगे। फिर मैंने बोला नहीं, कुछ नया करते हैं ट्राई, तो मैंने बोला चलो आज ये बना के देखते हैं। तो यहाँ पे जब आलू मेरे अच्छे तरीके से भुन गए थे तो मैंने उस पर ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया, और अब जो है मैं गैस को बंद कर दूँगी और उसके बाद इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी एक बाउल में, और इसको कर दूँगी ठंडा, क्योंकि एकदम से गरम गरम नहीं फील होता है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी मैं। और बहुत अच्छा कलर आया है। और अब कर लूँगी मैं बेसन का बैटर तैयार। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन, बेसन में डाल दी है अजवाइन, और थोड़ा सा डालूँगी इसमें खाने वाला सोडा, और उसके साथ ही थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी डाल दूँगी हींग, और उसके साथ ही इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले, मसालों में डाला जाएगा नमक और कुटा हुआ धनिया, और थोड़ी सी डाल दूँगी कसूरी मेथी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अब इसको अच्छे तरीके से मैं कर लूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद बेसन का मैं बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा घोल तैयार करूँगी, ना ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ठीक ठीक करूँगी, क्योंकि पाव जो होता है पाव को इसी में डिप करना है मुझे। तो पाव थे मेरे पास, तो पाव को मैंने बीच में से काट लिया है, और काटने के बाद जो मैंने आलू की जो स्टफिंग तैयार करी है वो इसमें फिल करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटो केचप वो डाल दिया है, आपके पास अगर ग्रीन वाली चटनी हो, धनिया पुदीने वाली, वो भी रख सकते हैं इसमें, या कोई सी भी जो भी चटनी आपको पसंद है वो रख सकते हैं। तो मेरे पास केचप था वो मैंने लगा दिया था, और ये जो स्टफिंग मैंने जो तैयार करी थी आलू की वो मैंने इसमें लगा दी है। और अब इसको पाव को मैं कर दूँगी बंद, और बंद करने के बाद इसको साइडों से अच्छी तरीके से प्रेस कर दूँगी, और अब इसको जो बेसन का मैंने बैटर बनाया है उसमें अच्छी तरीके से इसको जो है लपेट लूँगी, और उसके बाद यहाँ पर डाल दूँगी। और कढ़ाई को जो है मैंने तेल गर्म कर लिया था पहले ही, जिससे कि जो है टाइम वेस्ट ना हो, और तेल आजकल गर्म होने में या कोई भी चीज़ बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो यहाँ पे एक पाव मैंने डाल दिया था, और उसके बाद दूसरा भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी, और जो आलू की स्टफिंग है वो। और ये वाले जो पाव है थोड़े से छोटे वाले हैं, साइज़ थोड़ा छोटा है, वैसे बड़े भी आते हैं, तो यहाँ पे मैंने छोटे ही लिए। और ऐसे जैसे फ्राई करके बनाते हैं तो छोटे वाले ही ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि जो बड़े वाले होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। वैसे तो ये भी जैसे मैंने इसमें बेसन को बेसन में जैसे इसको वो करा है, तो तब भी इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। अब इसको जो है मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्राउन ब्राउन होने तक, और चारों तरफ से फ्राई करूँगी इसको, बीच से भी साइड से भी। तो यहाँ पर जो है मेरे पाव लगभग हो चुके हैं, और बहुत टेस्टी लगते हैं ये, और जैसे ब्रेड पकोड़े बनते हैं उसी टाइप से लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग सा हट के जो है टेस्ट आता है इसमें। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिए है ये, और बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन करा है मैंने, क्योंकि बेसन जो है अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए वरना कचैन आती है। तो यहाँ पे हो गया मेरा फ्राइड वड़ा पाव रेडी, और मैंने इसको कट कर लिया था बीच में से, और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा है, और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा है लेकिन बहुत टेस्टी लगा है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगेगा सबको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30 बज रहे हैं, और कल कोई वीडियो नहीं गया, और परसों गया था वीडियो, और परसों वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यश की तबीयत खराब है, और उस टाइम पे इतनी तबीयत खराब नहीं थी, हल्की फुल्की लग रही थी मुझे, जैसे बच्चे सुस्त से वो जाते हैं, और थोड़ा सा हल्का सा फीवर सा लग रहा था, पर ऐसा मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। और परसों शाम से यश की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, इसको 102 बुखार हो गया,
और पेट में इसके दर्द था, पूरी रात भर नहीं सो पाया यश। और उसके बाद कल सुबह मॉर्निंग जैसी हुई, मैं मॉर्निंग में जो है इसको डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर के पास ले जाके फिर दवाई दी थी। उससे ये हुआ था कि पूरा दिन भर तो यश सो गया था, नींद ही आती रही क्योंकि एक दिन पहले रात को सोया नहीं था ये। और उसके बाद क्या हुआ, कल रात को फिर इसकी तबीयत खराब हो गई, फिर इसके पेट में दर्द हुआ बहुत ज्यादा। फिर मेरे को याद आया, एक बार पहले डॉक्टर ने एक मेडिसिन लिखी थी पेट दर्द की, जो बच्चों के कॉलिक हो जाता है उसके लिए, तो फिर मैंने वो दी इसको, तब इसको रात को उससे रिलीफ मिली और ये रात भर जो है सोया है और अभी जो है ये यहाँ पे मेरी गोदू में बैठ के और लेटा हुआ है। और सच में इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि सच में दिल जो है घबरा सा गया था, क्योंकि छोटा है अभी बोल भी नहीं पाता, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे कि कहीं इसके पेट में दर्द ना हो, कहीं बुखार ना हो या बुखार की वजह से कुछ ना हो रहा हो, और बिल्कुल लेटा जा रहा। और कल तो ये परसों शाम से ये इस बेड से उठा ही नहीं, इससे उठा ही नहीं जा रहा था। जैसे बच्चा थोड़ी देर बैठता है तो जैसे ही ये बैठ रहा और उसके बाद फिर लेटे जा रहा, तो उसकी बहुत तबीयत खराब हो रही थी। और ये मेरे को देख रहा है, क्या हो गया? अच्छा चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यशु बेटा, आप बीमार हो गए थे, आपको उई हो गई थी ना, अब कैसे हो आप? अच्छा चलो आप आराम करो, और अभी ये रेस्ट ही कर रहा था। क्या हो गया था आपको, भूख हो गई थी? आप सब ना गॉड से प्रे करेंगे और आप ठीक हो जाओगे जल्दी से, देखो। और इसका चेहरा भी एकदम बिल्कुल उतरा हुआ है, और परसों से इसने दूध भी ज्यादा नहीं पिया है, सिर्फ थोड़ा बहुत दूध ही लिया था इसने। और अभी मैं इसको नहलाऊंगी नहीं, और लेकिन ना इसकी स्पंज बाथ कराऊंगी, क्योंकि इसको पसीना आया ना, जैसे बुखार में आता है बच्चों को तो चिपचिप हो जाता है, तो उस वजह से भी बहुत इरिटेशन होती है। तो और अब तो ये इतना बोल भी रहा है, वो भी कर रहा है, कल शाम से और कल रात तक जो है इसकी इतनी तबीयत खराब थी कि बस ये आंख जो है ना, बस आंख खुली खुली इसकी, और बस ऐसे ही देखा जा रहा था बस, और कुछ नहीं कर रहा था। मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ, ना खाने में मन ना काम में मन। और अब जाके जब ये उठा और थोड़ा सा इसने शैतानी करनी शुरू करी, तो तब जाके जो है मेरे को चैन आया। और बच्चे जब शैतानी करते हैं ना तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हम डांटते हैं, और जब ये कुछ नहीं कर रहा था तो मेरे को इतना वो लग रहा था, मैं बोल रही थी भाई तू शैतानी कर ले, उठ जा, बस शैतानी करते रहे, लेकिन ऐसे चुपचाप मत ले। और अब ये थोड़ा सा ठीक है, और अब थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो अब मेरा भूख भी लग रही है मुझे, और काम करने का भी मन कर रहा है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी। और यहाँ पर मैं टेबल के नीचे थोड़ी सी सफाई कर रही थी, और डस्ट भी हो रही थी, और जो न्यूज़पेपर होते हैं, कुछ भी सामान होता है तो जो भी जगह होती है वहीं पे सब डाल देते हैं, तो यहाँ पे मेज के नीचे ना न्यूज़पेपर्स और काफ़ी सारा सामान था, तो वो मैं निकाल रही थी। और न्यूज़पेपर को मैं ऐसे तय करके जो है पॉलीथिन में डाल के रख देती हूँ, और फिर स्टोर में रख देते हैं हम लोग, तो जिससे जब भी कभी जो होता है, जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर एक साथ जो है जैसे बेच देते हैं, तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारे समेट लिए थे, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगी इसकी सफाई। और कल जैसे यश बीमार था तो कल काफ़ी सारे काम करने थे मुझे, कल कोई भी काम नहीं हो पाया, तो इसलिए बहुत सारे काम जो है पेंडिंग थे, तो इसलिए धीरे धीरे करके अब जो है एक दो दिन ज़्यादा काम होगा, क्योंकि लगभग डेढ़ या दो दिन हो गया था उसको बीमार हुए हुए, और जब बच्चा बीमार होता है कोई काम नहीं होता है, तो अब जैसे तैसे करके मैं धीरे धीरे करके सब काम कर रही हूँ। और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही है मुझे, आज तो ज़्यादा काम भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सकता है उतना कर ही रही हूँ धीरे धीरे करके। तो मेज साफ़ कर दी थी मैंने, डस्टिंग भी हो गई थी, और सारा सामान भी मैंने हटा दिया था, न्यूज़पेपर मैंने ऊपर रख दिए थे। फिर मैं मम्मी वाले रूम में आ गई थी, यहाँ की भी थोड़ी सी सफाई करनी थी, तो यहाँ पे भी मैंने टेबल पे जो है थोड़ी सी डस्ट हो रही थी वो साफ़ कर ली थी। और मम्मी वाले रूम में धूप बहुत अच्छी आती है, तो यहाँ पे जब भी कैमरा लगाती हूँ मैं तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लगता है, क्योंकि सामने से धूप आती है तो इसलिए। और यहाँ पे भी थोड़ा बेड के ऊपर डस्टिंग कर दूंगी मैं, थोड़ी सी धूल हो रही थी, और दो तीन दिन से काम नहीं हो पा रहा था तो इस वजह से ज़्यादा काम है, क्योंकि वैसे तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं धूल साफ़ करती हूँ पूरे घर की, सारे रूम की होती है, लेकिन यश बीमार था तो इस वजह से नहीं हो पाया। और यहाँ पे जो कंबल था वो भी मैंने बिछा दिया है, और मम्मी वाला रूम लगभग हो गया है, बस एक बार दोबारा से झाड़ू कर दूंगी, क्योंकि जब भी हम धूल वगैरह साफ़ करते हैं, कुछ भी साफ़ सफाई का काम करते हैं, तो धूल आ ही जाती है ज़मीन पे, तो इसलिए झाड़ू लगनी तो ज़रूरी होती ही है। और आजकल सर्दी बहुत हो रही है, तो सर्दी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आजकल ना लेट हो रहा है, झाड़ू पोछा जो होता है वो भी लेट होता है, पहले तो ये रहता था सुबह ही उठ के हो जाता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मम्मी वाले रूम में मैंने झाड़ू कर दिया, और बेड के पीछे मैं देख रही थी कि कुछ सामान तो नहीं है, तो यश का यश जो है ना ऐसे ही करता है, सारे बेड के पीछे इधर उधर जो है कुछ ना कुछ सामान जरूर पड़ा रहता है,
तो मैं चेक करती रहती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने यश के लिए एक बॉटल मंगाई है, ये फीडिंग बॉटल है तो फिलिप्स की है ये, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छी लगी है ये, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब जिस टाइम मैं शूट कर रही थी तो उस टाइम पे तो मैंने इससे दूध नहीं पिलाया था, लेकिन फिर मैंने बाद में पिलाया तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये। और 330 ml की है ये, तो अगर आप लोगों को भी अगर अपने बेबी के लिए लेनी हो तो ले सकते हैं, और बहुत अच्छी है। मैंने फ़िलिप्स की फ़र्स्ट टाइम ली है, इससे पहले मैंने चीकू की ली थी और भी बहुत सारी ब्रांड की ली थी, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। और पकड़ने में भी इसमें जो है ना ग्रिप अच्छी है, बच्चा आराम से पकड़ लेता है। और ये मैं दिखा रही थी, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये 575 लिखे थे इसमें। और ये जो है अच्छा, इसका जो है 6 मंथ से ऊपर वाले बच्चों के लिए है और फास्ट फ्लो है। और ये मेरे को यहाँ पे लोकल शॉप से मैंने लिया था, तो वहाँ पे मेरे को डिस्काउंट में जो है 498 की पड़ी है, तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये बोतल। तो यहाँ पे मैं और मम्मी बैठे हुए हैं और मम्मी पी रही है चाय और मैं खा रही हूँ यहाँ पे अमरूद, और अमरूद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइम पे, अमरूद हो गए, कीनू, संतरे बहुत अच्छे लगते हैं, और मौसम के जितने भी फल होते हैं वो ज़रूर खाने चाहिए। और आजकल जैसे विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है लेना, क्योंकि इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है उससे। और आजकल मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ढीली हो रही है, तो थोड़ा फ्रूट्स पे ध्यान देती हूँ मैं, और कोशिश करती हूँ कि कम से कम जो है एक दिन में एक फल तो मैं ज़रूर खाऊं। तो अमरूद जो है मैंने काट लिया था, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, काला नमक तो बहुत टेस्टी लगता है उसको लगा के। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी, और सुबह तो हैवी नाश्ता हो गया था तो इतनी भूख नहीं थी, तो इसलिए सिंपल आज दाल रोटी बना रही हूँ। तो लाल वाली जो मलका की दाल होती है, लाल मलका है, लाल मसरी, वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ऑयल गरम करके उसमें डाल दिया है जीरा, और इसमें डाल दिया है मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। और ये वाली जो दाल होती है ना लाल मलका, ये इसी तरीके से खूब मसाले डल के बनती है, तो बहुत टेस्टी लगती है। वैसी वाली जो जीरे से छौंक के सिंपल बनती है वो मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन जो था उसको डाल दिया था, और जब वो ब्राउन हो गया था अच्छी तरीके से तो मैंने उसमें ऊपर से डाल दिए सूखे मसाले, थोड़ा सा डाल दिया पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, और नमक थोड़ा हल्का ही डाला है क्योंकि जब मैंने दाल बॉईल करी थी तो हल्दी और नमक तो उसी टाइम पे डाल दिया था, और थोड़ी सी डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और एक टमाटर लिया है मैंने, वो चॉपर में चॉप कर लिया है, टमाटर मैं चॉप करना भूल गई थी, उसके बाद जब मैं प्याज भुनने लगी तब मुझे याद आया कि टमाटर तो मैंने जो है काटा ही नहीं, तो जल्दी से मैंने वो भी कर लिया। और अब इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी, और इस तरीके से जब बनती है ना लाल मलका की दाल तभी अच्छी लगती है मुझे, सिंपल हींग जीरे से छौंकी हुई तो अजीब लगती है, लेकिन जैसे लहसुन प्याज इससे क्या होता है बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, थोड़ी चटपटी सी भी हो जाती है। तो दाल मैंने बॉयल करके रखी थी, तो अब मैंने दाल भी इसमें ऐड कर दी है, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ी सी मुझे गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा पानी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, वैसे भी जो दाल होती है रख के और ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है, जैसे लाल मलका की हो गई, अरहर की दाल हो गई, बहुत गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा धनिया, और धनिया मेरा इतना सारा आज जो है मैंने देखा ख़राब हो गया, गल गया वो, क्योंकि 2 दिन से काम करने की फुर्सत ही नहीं थी, यश के साथ ही लगी हुई थी तो दाल हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ रोटी बनाने का काम, और जल्दी जल्दी जो है रोटी बना रही हूँ, और थोड़ी तबीयत भी ढीली हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा खड़े होने में ना लगातार जैसे मैं खड़ी होती हूँ तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं होया जाता है। तो बस कोशिश कर रही थी कि बस दिन का काम जो है जल्दी से निमट जाए रोटी का खाने का, और बस रसोई साफ़ हो जाती है दिन की, तो काफ़ी टाइम तक जो है थोड़ा सा काम जो है आराम मिल जाता है, मतलब रात के खाने में तो थोड़ा सा टाइम होता है दिन में, और रात के खाने में थोड़ा सा टाइम होता है तो थोड़ा आराम मिल जाता है। तो दाल मैंने निकाल ली थी और ऊपर से डाल दी है देसी घी, और दाल रोटी जो है तभी मज़ा आता है जब ऊपर